कैसा लगा तुम्हें अपना नया कमरा? अच्छा। तुम तो ऐसे कह रही जैसे मैंने तुम्हारे सिर पे बंदूक रखी। नहीं सर। कोई बात नया कैबिन है ना, थोड़े वक्त में आदत पड़ जाएगी। लेकिन आज हमारे पास वक्त नहीं है, चलो उठो, शो के अरेंजमेंट चेक करो, इस कैबिन को एंजॉय करने का तुम्हें काफी वक्त है। और हाँ, शो शुरू होने के पहले अपना सारा सामान मेरे ऑफिस से ले जाना और उस कमरे में ताला लगा देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कभी किसी को पता चले कि तुम वहां काम करते। ओके? अरमान सर, नहीं चाहिए मुझे प्रमोशन, मत पढ़ाइए सारे लोग। उस छोटे से कैबिन में मुझे आपके पास रहकर कितनी बड़ी खुशी मिलती है मैं आपको नहीं बता सकती। जैसी तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रही हो, हमारे पास पूरा दिन नहीं शिफ्टिंग के लिए, चलो जल्दी करो। जैसी एक मिनट, तुम अपना सामान उस नए कैबिन में रख दो, जाके राज को ढूंढ के आओ, क्योंकि शो के लिए बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। हमें डिसाइड करना है कि शो में कौन से कपड़े यूज होंगे। कौन से कपड़े मतलब जो कपड़े मैडी के फैब्रिक से बनाए हैं वो, या हमारे प्रोडक्शन जिन्हें हम मार्केट में बेचना चाहते हैं? लेकिन प्रोडक्शन में तो लावण्या के सस्ते फैब्रिक से कपड़े बने। डिजाइन्स कहाँ से आए? जस्सी, तुम इतने बेवकूफी के सवाल कैसे पूछ सकती हो? ये कपड़े मैडी की डिजाइन से कॉपी, और तुम्हें क्या लगता है रूबी से जो हमने डिजाइन मंगवाए थे इस ऑफिस में सजाने के लिए थे? लेकिन मैडी सर को हमने वही डिजाइन प्रोडक्शन में देके सस्ते फैब्रिक के कपड़े तैयार किए, लेकिन ये बात मैडी को नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, सस्ते कपड़े के डिजाइन मैडी शो में भी अलाउ नहीं करेगा। तो क्या करें, शो में मैडी के बनाए हुए सैंपल्स यूज करें, प्रोडक्शन में बन रहे हमारे सस्ते फैब्रिक के कपड़े? तुम क्या कहती हो जैसी? तो ये तो लेकिन धोखा देना होगा ना ऑडियंस को, प्रेस को और बायर्स को भी। जैसी बात को समझो, लोग वहां पे कपड़ा देखने नहीं आ रहे, डिजाइन देखने आ रहे। एक बार शो हिट हो जाए उसके बाद जो भी बायर्स हमारे पास आएंगे हम उन्हें लावण्या के फैब्रिक से बने हुए कपड़े ही दिखाएंगे। लेकिन ये तो चीटिंग होगी ना, शो में वही कपड़े होने चाहिए जो मार्केट में आएंगे। एक बार फैशन शो हिट हो जाने दो, कोई कुछ नहीं पूछेगा। राज, जैसी ठीक कह रही है, मैडी के सैंपल्स हटाओ और मॉडल्स को प्रोडक्शन के कपड़े पहनाओ, क्योंकि हम बायर्स को धोखा नहीं दे सकते। यार मैडी सचमुच मैड हो जाएगा। सर हमें मैडी सर को बता देना चाहिए ना। मैडी को बताने से कुछ फायदा नहीं है क्योंकि वो कभी नहीं समझेगा। सर लेकिन वो तो डिजाइनर है, कम से कम उन्हें तो पता होना चाहिए। जैसी ये शो डिजाइनर्स के लिए नहीं बायर्स के, और मैडी को इस बात का पता चल गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इस शो को नहीं होने देगा, और इस वक्त मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन हम मैडी सर को बता क्यों नहीं देते?